और मांसाहार, ये अपने आप में एक बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चिंतन मंथन करते हैं। क्या भगवान बुद्ध ने मांस खाने के लिए कहा? क्या भगवान बुद्ध ने मांस खाया? क्या भगवान जो भंगी बुद्ध थे, जो तथागत बुद्ध थे, या चीवर वाले बुद्ध थे, चमार बुद्ध थे, क्या उन्होंने मांस खाने की अनुमति दी? अगर दी तो क्यों दी, जब उन्होंने मारने के लिए मना किया? ये भ्रांतियाँ बड़े अजीब की हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि भिक्खु हत्या नहीं करेगा, यानी भिक्खु हत्या नहीं करेगा और पब्लिक का कोई भी आदमी हत्या नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि आपको पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियानि, यानी कि आपने प्राणों का पतन नहीं करना है, प्राणों का पतन नहीं करना है। ये यूनिवर्सल नियम है कि आप किसी जीवित को नहीं मारेंगे। मगर जब मांस खाने की बात आई और मांस की बात आई तो उन्होंने उसके नियम बताए। उन्होंने बताया कि अगर कोई चील ऊपर से मांस लेके जा रही है और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाता है तो उसके बाद में उसमें हत्या नहीं होती है, क्योंकि वो जो टुकड़ा है मांस का वो मिट्टी के बराबर है, थोड़ी समय बाद वो मिट्टी में गल जाएगा। उसको खाने से अगर आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ता खराब तो आप उसको खा सकते हैं, ऐसा नियम उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि अगर शेर जंगल में किसी शिकार को मारता है और वो अपना पेट भरने के बाद चला जाता है तो वहाँ जो मांस है फिर वो बाकी जीव जंतु के काम आता है, उस जीव जंतु में मनुष्य भी काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने हत्या नहीं की है, हत्या करके खाने को मना किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जानवर मर जाता है, मरे हुए जानवर का मांस आप खा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि भाई जब मरे का मांस खा सकते हैं तो क्या हमें मांस के मारने के लिए किसी को कहना चाहिए? तब भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि आप किसी को मारने के लिए नहीं कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे मांस खाना है, मेरे लिए मांस बनाइए, या मुझे मांस खाना है, मांस मेरे लिए मार के लाइए। यहाँ तक कि अगर आपको ये अंदेशा भी हो गया कि ये मांस आपके लिए बना है या आपके कहने से बना है तो भी आप मांस नहीं खा सकते। उन्होंने कहा है कि आप कहीं जाते हैं और जाने में अगर आपको कोई मांस दे देता है और ये बात तय है कि आपने उसके लिए कहा नहीं, आपने इशारा भी नहीं किया, आपने किसी ऐसे शब्द से भी नहीं कहा कि वो कोई आदमी आपकी इच्छा को समझ के मांस बनाए, और बिना इच्छा के आपको अगर मांस खाने को मिलता है तो उसका पाप नहीं लगेगा, उसमें आपका मन दोषित नहीं होगा, क्योंकि वो मांस जो होता है फिर मटेरियल बन जाता है। जैसे कि ईसाई लोग कहते हैं कि ऑल फ्लैश इज ग्रास, सारा मांस जितना भी है वो घास है, मगर यहाँ बुद्ध ने स्पष्ट लाइन खींची हुई है। बाद में कुछ लोगों ने बुद्ध की इस लाइन का फ़ायदा उठाया कि मरे हुए का मांस खा सकते हैं, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखो ये सामने वाला मांस तो मर गया इसलिए हमने खा लिया, जबकि वो मारा गया है खाने के लिए। तो खाने के लिए मारा गया है इसके लिए मना किया हुआ है, मगर अगर मरा हुआ है या खुद मर गया है तो खा सकते हैं। इसलिए भारत के जो भंगी लोग हैं और जो चमार लोग हैं और जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, वो पुराने समय में मरे हुए का मांस खाते थे जब जानवर मर जाता था, क्योंकि वो फिर मिट्टी के बराबर होता था। वो कभी अपने जानवर को नहीं मारते थे, उन्होंने कभी अपने जानवर की हत्या की ही नहीं। जानवर की हत्या करने के लिए बाहर से लोग आए जो जंगल में आग जला के मांस भून के खाते थे और उनके जानवरों को उठा के ले जाते थे जिनसे वो लड़ते थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो जानवर की बलि थी उसके लिए साफ साफ मना किया कि आप अगर आग जला के जानवरों की बलि देंगे, बल्कि एक केस के अंदर तो उन्होंने हजारों के हजारों जानवरों को छुड़वाया भी। इसलिए भगवान बुद्ध को माना जाता है कि वो बहुत अहिंसक थे और जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।